सही टाइम से वीडियो नहीं आई है, और उसके पीछे एक रीज़न था, वो ये था कि मेरा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था और काइंड ऑफ लाइक इंटर्नशिप, तो उसमें यह था कि मैं एक्सपीरियंस नहीं था और फर्स्ट टाइम था क्योंकि मेरा, और उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम करने को मिल गई थी, तो इसलिए मुझे वो क्वार्टर समय में थोड़ा टाइम लगा, तो इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो रिलेटेड है, अगर आप इटली आना चाहते हैं स्टडी करने के लिए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहली बात, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं अपने ओपिनियन अपने पर्सपेक्टिव से जो है वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं उनसे रिलेटेड आपको जो है ये सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि और ये चीज़ मेरी फील्ड से रिलेटेड है, मैंने इस फील्ड के लिए अप्लाई किया है, तो इससे रिलेटेड ही आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी एक मैं आपको जनरल आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आने के लिए तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो आइडिया सबके लिए सेम ही होता है। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को जो है वो कुछ स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने जो करना है वो ये है कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, थोड़ी सी थोड़ा रिसर्च कर लें, जिस भी आपको इंस्टीट्यूट में लगता है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी या जिसमें भी आपने अप्लाई करना है आपको बेहतर लगता है, आप थोड़ी थोड़ा रिसर्च करें। हर यूनिवर्सिटी की आजकल आपको वेबसाइट मिल जाएगी इंटरनेट पर, उनकी वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट पर उनका जो है हर चीज़ फीस स्ट्रक्चर से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन होती है वहाँ पर, तो वहाँ जो है आप जाके उनका सारा जो है प्रोसीजर देख सकते हैं, आपको हर चीज़ वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी। और एडमिशन्स का भी वहाँ ज़्यादातर होता है कि आपने एडमिशन्स कब ओपन होंगे और आपने कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप अगर एडमिशन ओपन है तो आप अप्लाई कर दें। यूजुअली इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, वो जो है विद इन आपको वीक और विद इन 5 days आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाता है। स्टेप नंबर टू ये है कि आपने अपना एक पोर्टफोलियो और अपनी एक प्रोफेशनल CV बनानी है, क्योंकि CV और प्रोफेशनल जो है वो हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूट वाले मांगते हैं। CV के बगैर आपको कोई भी एडमिशन नहीं देगा, जब तक आप अपना कोई काम प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप अपनी CV नहीं दिखाएंगे, कोई भी आपको एडमिशन नहीं देगा। तो आप अपनी एक प्रोफेशनल जो है CV बना लें, रेज्यूमे बना लें, या अपना एक पोर्टफोलियो ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि आप एडमिशन के वक्त जो है उनको प्रेजेंट कर सकें। तो उसमें यह है कि अगर आपका कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंटरव्यू लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेती, तो अगर आपका पोर्टफोलियो होगा, CV होगी, तो आपका जो है वो एडमिशन मिलने में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे आपको इवेल्यूएट करते हैं। तो स्टेप नंबर थ्री ये है कि आपका एडमिशन अगर वो कन्फर्म कर देते हैं, अफर्मेटिव अगर आपको रिस्पॉन्स आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बाद ज़्यादातर यही केसेस में होता है कि आपको वो लोग ईमेल में ही गाइड कर देते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, जो कि होता है कि वीज़ा प्रोसेस का शुरू करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो अगर आपको कंफर्म हो जाता है एडमिशन का, तो आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट सारे जो वो अटेस्ट करवाने होते हैं, जो कि है स्टेप नंबर फोर में आपने अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सब जो है आपने अटेस्ट करवाने होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करने से कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ें अटेस्ट करवा के रख लें, ये वाले डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के रख लें, क्योंकि बाद में ये होता है कि आपके पास टाइम कम होता है और जो है आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके पास ये चीज़ें करवाने में जो है ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आप जो है हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में तो जानते हैं, आपको आइडिया होगा, तो इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स आप अपने अटैच करवा के पहले से रख लें, आपके मैट्रिकुलेशन HEC के, आपके मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स IBC से अटैच होते हैं, आपकी डिग्री जो है और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से अटैच होती है, फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्टिवली अटैच होते हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर जो कि है MOFA, उसके बाद जो है फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वीज़ा के लिए। तो ये अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से अटेस्ट होंगे तो आपको बाद में जो है काफ़ी आसानी होगी। मैं क्योंकि ये चीज़ें झेल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइम से, तो अगर आप ये करा लेंगे तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ईजी रहेंगे आप काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद है स्टेप नंबर फाइव ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, अपना फैमिली सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि ये चीज़ें जो हैं आप नादरा से ले सकते हैं, अपने किसी भी बैंक अकाउंट से ले सकते हैं जहाँ आपका बैंक अकाउंट है,
तो बैंक अकाउंट की जो आपकी स्टेटमेंट है उसकी एक लिमिट होती है, वैसे तो लिमिट जो है 15 से 20 तक की होती है, अगर आप ज़्यादा दिखाना चाहें तो ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं। तो बैंक स्टेटमेंट काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। उसके बाद जो है आपका फैमिली सर्टिफिकेट है, फैमिली सर्टिफिकेट आपको वो नादरा से निकलवाना पड़ता है, वो भी ज़रूरी होता है उसके एप्लीकेशन के लिए। और आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, वो आपको भी आप अगर टाइम से करवा लें तो वो भी बेहतर है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 ये है कि अगर आप ये चीज़ें सारी कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है एम्बेसी से। तो उसके लिए जो है आपको इटली के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जेरी जाना पड़ता है या वीएसएस ग्लोबल से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर इस साल जब मैं यहाँ आया हूँ इटली तो मैंने देखा था कि इस साल जो है वीएसएस और जेरीज का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, तो अब इस साल जो है वो मुझे नहीं पता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ। तो अगर आप थोड़ी रिसर्च कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस साल कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी में। और अगर आप अपने एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम से अप्लाई कर लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलने में काफ़ी टाइम लगता है और जो है आपका प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि ये सारा जो कलेक्टिव प्रोसेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपका वीज़ा आने में। तो अगर आप टाइम से अप्लाई करेंगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा, वरना बाद में बहुत हॉचपॉच सिचुएशन हो जाती है उसमें जो है, ना फिर आप इधर के रहते हैं ना फिर आप उधर के रहते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो इसका एक और प्रोसेस भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है जो कि काफ़ी लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो है कंसल्टेंट का प्रोसेस अप्लाई करने का। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कंसल्टेंट का ये सीन होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंसल्टेंट को दे देते हैं, वो आपके बेसिस पे अप्लाई करते हैं, आप उनको अपनी यूनिवर्सिटी का बता देते हैं कि आपने यहाँ अप्लाई करना है, वो आपके बेसिस पे अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, उसके बाद जो है आपका सारा प्रोसेस वो करके आपको वीज़ा बनवा के दे देते हैं। उसमें वो अपना कमीशन भी रखते हैं, वो आपको बतौर अगर आप खुद अप्लाई करें, इनकेस अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो वो उसके रिलेटिव आपको जो है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है कंसल्टेंट का प्रोसेस। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वरना जो है आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ही अप्लाई करें ताकि आपको सारे प्रोसीजर का पता चले। तो ऑन टू यू, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद करें, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये थे दो प्रोसेस अप्लाई करने के, और जाते जाते एक और प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। वो ये है कि अगर जब आप यहाँ आते हैं तो उसके बाद जो है वो है कैश का मसला, पैसे का मसला, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ज़्यादातर जो लोग यहाँ आते हैं वो शुरू में जो है वो कैश लेके आते हैं या फिर अपना मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड लेके आते हैं, तो उसमें ये सीन होता है कि आप कैश तो ले आते हैं पर यहाँ पर ज़्यादातर जो पेमेंट्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, मतलब कि वीज़ा कार्ड के थ्रू पेमेंट्स होती हैं, जो बड़ी पेमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो कार्ड्स के थ्रू होती हैं। तो आप अगर आप कैश लेके आते हैं तो कैश यहाँ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, अगर शॉप्स पे आप जा रहे हैं छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं उसमें जो है कैश यूज़ होता है, उसके अलावा कैश ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कार्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप अपना मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड लेके आ रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको यहाँ एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा लगता है, जब भी आप एटीएम यूज़ करेंगे आपको जो है एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा लगेगा, वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। उसके मुकाबले में अगर आप एक ऐप है वाइज ट्रांसफ़र या वाइज जस्ट वाइज के नाम से, अगर आप उसके ऊपर अकाउंट बना लेते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाएँ लिंक पर आप अपना अकाउंट बना लें, ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप वहाँ जाएँ लिंक पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करें, आपका जो है वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें जो है अगर आपने डिपॉजिट नहीं करना है कैश अगर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आके डिपॉजिट कर लें वहाँ से, अगर आप नहीं करना चाहते तो, पर अगर आपका वहाँ से अकाउंट खुल जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, और उनका जो है वो कार्ड भी बन जाता है, और अगर आप फिज़िकल कार्ड लेना चाहें फिज़िकल कार्ड भी ले सकते हैं, अगर आप उनका वर्चुअल कार्ड यूज़ करना चाहे तो वर्चुअल कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए, और कैश और कार्ड आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर है। इन केस के अगर आप कैश सिर्फ कैश पे चलें तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी
हार्ड सिचुएशन रहती है समटाइम्स आपके लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अकाउंट बना लें और यहाँ आके आप जो है वो अपना फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। जो भी आपका एड्रेस है आप वो एड्रेस डाल के कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वो विद इन अ वीक जो है कार्ड रिसीव हो जाएगा, तो आप वो कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी बेहतर पड़ेगा, आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये था सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये चीज़ें जो हैं ये कोई भी फ्री में नहीं बताता है, मैं आपको जो है वो फ्री में बता रहा हूँ, तो मैं पल्लू से मान लें ये चीज़ें। काफ़ी बोलिया यार आज, तो आज तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, आपको पता है आपको क्या करना है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, वी आर आउट।